राजनीति में मचा हुआ है हो हल्ला इस बार। अरे राजनीति में मचा हुआ है हो हल्ला इस बार। अरे यूपी को भगवान मिलेंगे या अल्लाह इस बार। नेता द्वारे के पिछले चुनाव गांव गांव जनता के बीच वोट मांगने को कई बार गए नेताजी। और सड़क के स्कूल लैटरीन बनवाने हेतु जनता से करके करार गए नेताजी। और जीतने के बाद सड़क के स्कूल की तो छोड़ो लैटरीन गांव की नकार गए नेताजी। हलदर सुझा रहे हैं राहे नेताजी घबराए। अरे हलदर सुझा रहे हैं राहे नेताजी घबराए। बिल भी वापस लिया परंतु गांठ खोल ना पाए। नेता द्वारे द्वारे अपने हाथों से तुमको भी सब टोपी पहनाएंगे। आएगा दौर चुनाव को अब नेताजी घर आएंगे। आएगा दौर चुनाव को अब नेताजी घर आएंगे। नमस्कार, देश रोजाना के विशेष कार्यक्रम नेताजी द्वारे द्वारे। कार्यक्रम यूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, देश की राजनीति को दिशा देने वाला प्रदेश, देश की राजनीतिक दशा बदलने वाला प्रदेश, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो कवि मौजूद हैं वे भी सभी उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से ही हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा, स्वागत करूंगा डॉक्टर कमांडो समोह सिंह जी का। समोह सिंह जी थल सेना से सेवानिवृत्त हैं, कमांडो पद पर कार्यरत रहे हैं। जो देश में पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका में, उसमें भूमिका थी डॉक्टर समोह सिंह जी की। और गौरवशाली है कि आप हमारे बीच में आज दूसरी बार। डॉक्टर समोह सिंह बुलंदशहर से आते हैं, हमारे बीच मौजूद है पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से। जब यूपी के डिवीजन की चर्चा चलती है तो पूर्वांचल का नाम सबसे ऊपर आता है। देवबंद से हैं कवि मनोज मनमौजी जी, जैसा नाम है वैसा आपको दिख भी रहेंगे, मनमौजी दिख रहे हैं साथ साथ। अगली प्रस्तुति जो हमारे बीच देंगी डॉक्टर स्वदेश चरोरा, कवित्री हैं, महिला क्षेत्र में बड़ा नाम है, बुलंदशहर के चरोरा गांव की रहने वाली हैं, राजनीति को बड़े पास से जानती भी हैं। अगले हमारे बीच में कवि जो मौजूद हैं डॉक्टर धर्मवीर शर्मा, युवा चेहरे हैं, अलीगढ़ से संबंध रखते हैं, वर्तमान में फरीदाबाद में रह रहे हैं। तो परिचय के साथ बिना किसी भूमिका के कार्यक्रम को शुरू करते हुए आज अतिथि के तौर पर हमारे बीच में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पलवल के जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल के सुपुत्र हैं राजीव कत्याल जी। इनके साथ में मौजूद हैं समाजसेवी अश्विनी मग्गू जी। इनके साथ मौजूद हैं दुर्गेश वशिष्ठ जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं। इनके साथ मौजूद हैं जयशंकर जी शर्मा, कुसलीपुर गांव के हैं, अच्छे समाजसेवी हैं। सभी का स्वागत है और आगे बिना किसी लाग लपेट के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नेताजी द्वारे द्वारे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मैं क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से आता हूँ, भारतीय थलसेना का भूतपूर्व सैनिक कमांडो समोह सिंह, और अभी भी सीधा मैं अपने गांव से ही आया हूँ। और वहाँ गांव में जिस तरह का मैंने माहौल देखा है, जिस प्रकार से सभी पार्टियों के नेता लोग आजकल जिसको देखो, जो फूले हैं वो तो फूले हैं ही हैं, जो पतले हैं वो भी फूले फूले हैं। कोई किसी की नाराजगी में फूल रहा है, कोई कहीं है, आज सभी कुछ ऐसे लग रहे हैं। ज्यादातर सभी नेताओं को लग रहा है कि सर हमारी नैया अब क्या डूबेगी, भर्ती किसी को नहीं रहा, कभी भी कुछ भूले भूले हैं सर। हाँ, तो कभी भी कुछ भूले भूले हैं, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए एक व्यंग आपके बीच में रखता हूँ। तो मैंने लिखा था कि फूले फूले से फिरे, फूले फूले से फिरे नेताजी इस बार, जैसे खाली ट्यूब में भरी काऊ ने प्यार। फूले फूले से फिरे नेताजी इस बार, और जैसे खाली ट्यूब में भरी काऊ ने प्यार, और भरी काऊ ने प्यार बवंडर उठे पेट में, और बजे दनादन शंख फटे जो मेघ जेठ में। और इसको यूं भी कहता हूँ
कि भरी काऊ ने ब्यार बबंडर उठे पेट में और मांग रहे हैं वोट सभी से एक रेट में, मांग रहे हैं वोट सभी से एक रेट में। और कहे समोद कवराय सूज गए दोनों कूल्हे, घूमता घूमते कह समोद कवराय सूज गए दोनों कूल्हे और आखिन भर गई गर्द गाल हैं फूले फूले, आखिन भर गई गर्द गाल हैं फूले फूले। और मैंने ये भी कहा था कि राजनीत में मचा हुआ है हो हल्ला इस बार, अरे राजनीत में मचा हुआ है हो हल्ला इस बार, अरे यूपी को भगवान मिलेंगे या अल्लाह इस बार, नेता द्वारे। तो चलिए एक और, मैं इसी को कबीरा को कहता हूँ, मैंने कहा था कि यूपी में अब किसकी होगी, अरे यूपी में अब किसकी होगी जाटों वाली खाट, और बाबा जी के पांव पकड़कर खींच रहे हैं जाट द्वारे, नेता द्वारे द्वारे। और सुनिए एक सीधे सीधे, मैं चूंकि छोटी काशी अनूप शहर से आता हूँ, वहाँ की जो बोली है, वहाँ की जो बोलचाल है, जो वहाँ की भाषा है हमारी, मैं उसी भाषा में एक छोटा सा व्यंग करता हूँ। एक नुक्कड़ पर सभी गांववासी बैठे हैं और नेताओं के बारे में क्या विचार कर रहे हैं आपस में, देखिए बिल्कुल एकदम जमीन से जुड़ा हुआ गीत आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। कि रामई जाने कौन सी करबट बैठे गो जे ऊंट, और कईयन के तो मौसू जिंगे कई पालो बदलिंगे, रामई जाने कौन सी करबट बैठे गो जे ऊंट, और कईयन के तो मौसू जिंगे कई पालो बदलिंगे। और गांव गांव यूपी में, अब इसको थोड़ा मैं तरन्नुम बोल गया, सुनिएगा। कि गांव गांव यूपी में चुनाव पे ये चर्चा है, अब के नेताजी की नाव उतर जाएगी, और नेताजी जोड़ेंगे हाथ और बाकी घर बारी, मीठी मीठी बातें नित्य पेट भर जाएगी। और वोटर कहेगो नई पार्टी को वोट दूंगा, काऊ पे न भयो ऐसा काम कर जाएगी, और कोऊ कोऊ बूढ़ाऊ तो खूब रे रिया बेगो जी, और 5 वर्ष पास है वाकी सांझ ढर जाएगी। और रामई जाने कौन सी करवट, रामई जाने कौन सी करवट बैठे गोजे ऊंट कई इनके मौसूजेंगे कई पालो बदलेंगे। और सुनिए साहब, के पूरे 5 थाम इन में बट गए पूरो गाम, टीवी चैनल झूठी सच्ची पूर रहे गाम में, और पीरी फाटे उठ के गलिन में लगा में चक्कर, ऐसे लगे जैसे पहिए लग गए पाम में, और 7 बजे याके धोरे 12 बजे वाके धोरे, और 4 बजे जिंदगी बदल गई शाम में, और एक दूसरे की सब कमियां गिना में, और द्वार द्वार घूम रहे नेता पूरे गांव में। रामई जाने कौन सी करवट, अरे रामई जाने कौन सी करवट बैठे गोजे ऊंट कई इनके मौसूजेंगे कई पालो बदलेंगे। और सुनिए साहब, के एक दूसरे पे खूब लाछन लगेंगे, और आपस में घुसालात होएगी या गांव में, और बादर के बीच में घिरेंगे चंदा और तारे, अब के भिकारी रात होएगी या गांव में, और रंगहीन टोपिन पे तिलक लगावे कौन, दिन रात काना पूसी होएगी या गांव में, और स्वयं स्वार्थ साध बेकु दूर दूर होंगे भाई, जीत बेकु जात पात होएगी या गांव में, जीत वे कुछ जात पात होएगी या गाम में। रामई जाने कौन सी करवट बैठे गोजे ऊंट कई इनके मौसूजेंगे कई पालो बदलेंगे। और आखिरी सुनिए साहब, के पक्ष या विपक्ष हो चाहे काऊ पक्ष में हो, जीत वे को उल्टे सूदे दाब अजमांगे, और भैंसिया के दूध की बढ़ाई भी करेंगे खूब, दोनों टेम हंडिया की मीठी खीर खाएंगे, और काउते कहेंगे बाप काउते कहेंगे बाबा, और दीनन के पामन में लोट लोट जाएंगे, और जीतवे को तिलक लगेगो काऊ और माथे, और हारवे को दोष मेरे गाम पे लगाएंगे। रामई जाने कौन सी करवट बैठे गोजे ऊंट कई इनके मौसूजेंगे कई पालो बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कई इनके मोह फूटेंगे कई पालो बदलेंगे, तब पाले तो बदलने हो चुके हैं क्या, अभी बदले जा रहे हैं पाले, और भी अभी पाले बदले जाएंगे, पूर्वांचल वाले जब आ रहे हैं तो पूर्वांचल में पाले बदलेंगे ना, अब तो आखिरी में तो चुनाव वही है। खैर
डॉक्टर समोज सिंह जी ने बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति में मैं बुलाने चला हूँ देवबंद से आने वाले कवि मनोज मनमौजी जी को। देश रोजाना को बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोतागण बैठे हैं। मैं सीधे सीधे, क्या होता था कुछ दिन पहले कि नेताजी जीत जाते थे, 5 साल तक अपना फिर चेहरा नहीं दिखाते थे, क्या होता था सुनिएगा। वहाँ से एक छंद लिया है कि पिछले चुनाव गांव गांव जनता के बीच वोट मांगने को कई बार गए नेताजी। हाँ, क्या बात है, अरे वाह। के पिछले चुनाव गांव गांव जनता के बीच वोट मांगने को कई बार गए नेताजी, और सड़क के स्कूल लैटरीन बनवाने हेतु जनता से करके करार गए नेताजी। और जीतने के बाद सड़क के स्कूल की तो छोड़ो, लैटरीन गांव की नकार गए नेताजी। के जीतने के बाद सड़क के स्कूल की तो छोड़ो, लैटरीन गांव की डकार गए नेताजी। और जमानत जब्त हुई तो चुनाव में तो पाप धोने हेतु हरिद्वार गए नेताजी। और जमानत जब्त हुई तो चुनाव में तो पाप धोने हेतु हरिद्वार गए नेताजी। और जहां हमारे नेताजी की बात आती है, वहां पाकिस्तान की बात जरूर आ जाती है। वो पाकिस्तान की क्या हैसियत है और हमारे नेताओं की क्या हैसियत है, क्या बात है? तब एक छंद में कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि जितना बजट पाक पूरी तेरी सेना का है, उतना तो यहाँ दीवारों में धन काला है। अभी निकला है ना पीछे। के जितना बजट पाक पूरी तेरी सेना का है, उतना तो यहाँ दीवारों में धन काला है। और जितना तू खर्च पाक करे आता ताइयों पे, उतने की नाचने को आती बार बाला है। और जितना भी पाक पैसा पूरे तेरे देश में है, उतना उड़ाता यहाँ नेताजी का साला है। और जितना भरा है खून पाक तेरी जनता में, उतना हमारा नेताओं ने चूस डाला है। जितना भरा है खून पाक तेरी जनता में, उतना हमारा नेताओं ने चूस डाला है। और तब आनंद आएगा, और भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। और तब कहता हूँ, जब चुनाव की बात चल रही है तो थोड़ा सा और आनंद लीजिएगा छंद का। कि एक ब्रह्मचारी बाबा बना जब सीएम, तो रोमियो भी भागने को रेल ढूंढने लगे। अरे एक ब्रह्मचारी बाबा बना जब सीएम, तो रोमियो भी भागने को रेल ढूंढने लगे। और दरोगा जी डके तो अपराधियों के, और दरोगा जी डके तो अपराधियों के, डालने को नाक में नकेल ढूंढने लगे। और माफियाओं की खातिर तबाजे हेतु, लठ को पिलाने हेतु तेल ढूंढने लगे। और आईएएस अफसरों को तनखाइयां बताने वाले, बूढ़ बक बक लोल जेल ढूंढने लगे। आईएएस अफसरों को तनखाइयां बताने वाले, बूढ़ बक बक लोल जेल ढूंढने लगे। एक नेताजी गए गांव में कि भाई मुझे तुम वोट दे दो और मैं तुम्हें ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। और मतलब तब वहां का एक छंद सुनिएगा, उस स्थिति से एक छंद लिया। के तोड़ के मरोड़ के, नेताजी कह रहे हैं जनता से, के तोड़ के मरोड़ के मैं बात नहीं करता हूँ, नेताजी ने कहा जनता से हाथ जोड़ के। और तोड़ के मरोड़ के मैं बात नहीं करता हूँ, नेताजी ने कहा जनता से हाथ जोड़ के ये कहा हाथ दे दो 5-7 लाख, उसके ही नाम ठेके छुड़वा दूं रोड़ के। और रोड की तो बात छोड़िएगा, बिना पेपरों के बालकों को पास करूं पेपरों में बोर्ड के। और बोर्ड के जो पेपरों की बात सुनी जनता ने, नेताजी के हाथ पांव धर दिए तोड़ के। और सुनिएगा छंद, सुनिएगा। के 12 का चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी, 12 की बचा रहा हूँ, के 12 का चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी तिजोरियां भरने को कैसे ढूंढते रहे।
और 12 का चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी तिजोरियां भरने को कैसे ढूंढते रहे, और जनता की आह की न परवाह करी कभी डान की तरह फूल फल ऐसे ढूंढते रहे। और लोग भाग 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 के हुए कतारबद्ध चूल्हे हेतु एलपीजी गैस ढूंढते रहे, और बहन बेटियों को गिद्ध नोच नोच खाते रहे, नेताजी दरोगा जी नेताजी की भैंस ढूंढते रहे, बहन बेटियों को गिद्ध नोच नोच खाते रहे, दरोगा जी नेताजी की भैंस ढूंढते रहे। और एक छंद में अंतिम सुनाता हूँ, क्योंकि मैं जिस कविता में मेरी पत्नी नहीं आती वो मेरा कविता पाठ अधूरा रहता है। तब सुनिएगा, होली नजदीक आ रही है, वहां से पिछली होली पे मेरी धर्मपत्नी ने कुछ ज्यादा ही ठंडाई पी ली, तो उस स्थिति से मेरा क्या हाल किया सुनिएगा। के होली पे चढ़ा के भंग खूब किया हुड़ दंग, अपशब्द मुझको लुगाई बोलने लगी। के होली पे चढ़ा के भंग खूब किया हुड़ दंग, अपशब्द मुझको लुगाई बोलने लगी। और ब्लेडी फूल बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस अंग्रेजी बड़ी हाई फाई बोलने लगी, ब्लेडी फूल बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस अंग्रेजी बड़ी हाई फाई बोलने लगी। के पहन के नया कोट पैंट इतराई खूब पहनूंगी आज नई टाई बोलने लगी। और नाच पीटी खुद को बताए हस्बैंड मेरा और मुझे खुद की लुगाई। बहुत अच्छे, बहुत मनमौजी जी ने मौज कर दी। तो ये थे मनोज मनमौजी जी, बड़े अद्भुत तरीके से 2012 से लेकर के और बाबा जी तक के सभी के राज बता दिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। अगली प्रस्तुति में डॉक्टर स्वदेश चरोरा जी, बिना किसी भूमिका के। नमस्कार करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ, इतने सुंदर परिवेश को नमन करते हुए यह प्रस्तुति देती हूँ आप सभी के समक्ष, सुनिएगा। कमल फूल की पूजा कर लूँ फिर मैं मौज उड़ाऊँ, अरे कमल फूल की पूजा कर लूँ फिर मैं मौज उड़ाऊँ, नाव मेरी खाते हिचकोले उसे किनारे लाऊँ, नेता द्वारे द्वारे नेता द्वारे द्वारे। और दोबारा सुनिएगा, कमल फूल की पूजा कर लूँ फिर मैं मौज उड़ाऊँ, अरे कमल फूल की पूजा कर लूँ फिर मैं मौज उड़ाऊँ, नाव मेरी खाती हिचकोले उसे किनारे लाऊँ, द्वारे द्वारे नेता द्वारे द्वारे। और अगला सुनिएगा, कुछ को टिकट मिला है भाई कुछ ने टिकट गंवाए, अरे कुछ को टिकट मिल गया भाई कुछ ने टिकट गंवाए, कुछ दल बदलू बनकर भाई कमल मंच पर पाए, द्वारे द्वारे नेता द्वारे द्वारे। और किसानों की बात ना हो तो अन्याय होगा। हलधर सुझा रहे हैं राहें नेताजी घबराए, अरे हलधर सुझा रहे हैं राहें नेताजी घबराए, बिल भी वापस लिया परंतु गांठ खोल ना पाए, नेता द्वारे द्वारे नेता द्वारे द्वारे। पांच पांच मिल घूम रहे हैं नेताजी बेचारे, अरे पांच पांच मिल घूम रहे हैं नेताजी बेचारे, और किसको मिलती हैं रेवड़ियां किसको शक्कर पारे, नेता द्वारे द्वारे नेता द्वारे द्वारे। और महिला नेत्रियों के लिए ना कही जाए तो यह भी अन्याय होगा। नेत्री जी को देखन को तरसे हैं नैन बिचारे, और नेत्री जी को देखन को तरसे हैं नैन बिचारे, एक बार दर्शन हो जाए जागे भाग हमारे, नेता द्वारे द्वारे नेता द्वारे द्वारे। और पांच बरस तक राह बुहारी तब नेता जी आए, और पांच बरस तक राह निहारी तब नेता जी आए, कोरोना के कारण केवल पांच लोग मिल पाए, नेता द्वारे द्वारे नेता द्वारे द्वारे। और जाटों के लिए भी बात करती हूँ, क्योंकि मैं भी स्वयं जाट हूँ, बुरा मानने की क्या बात है, मैं बुरा मानूंगी, सबसे पहले तो अपने लिए लिखती हूँ, सुनिएगा। जिसको जाट मिलेंगे भाई उसकी चले बयार, अरे जिसको जाट मिलेंगे भाई उसकी चले बयार, कब चुभ जाए बात कौन सी जो करवा दे रार, नेता द्वारे द्वारे नेता द्वारे द्वारे। और एक और जाटों के ऊपर ही, जाट देवता है गुर्राए देखा घर 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 जाके, अरे जाट देवता है गुर्राए देखा घर घर जाके,
कुछ तो साइकिल पर चढ़ बैठे, कुछ हाथी को ताके नेता द्वारे द्वारे, नेता द्वारे द्वारे। अरे एक और रचना देती हूँ, आप सभी को सौंपती हूँ। ये गठबंधन है मेल सनम, गठबंधन सभी समझते हैं, आप सभी सुधी हैं। ये गठबंधन है मेल सनम, ये राजनीति का खेल सनम, किस स्टेशन पर थम जाए ये है पैसेंजर मेल सनम। ये गठबंधन है मेल सनम, ये राजनीति का खेल सनम, किस स्टेशन पर थम जाए जैसे पैसेंजर रेल सनम। और बंद हाजिर करती हूँ। कोरोना की है रोक लगी, सभी को पता है नियमावली चल रही है, प्रोटोकॉल है कोरोना का। कोरोना की है रोक लगी, नेत्री मिश्री में घुली पगी, दर्शन को नैन तरसते हैं आंखें भी सारी रात जगी, दर्शन को नैन तरसते हैं आंखें भी सारी रात जगी। उनसे मिलने की चाहत में, उनसे मिलने की चाहत में, ज्यादा मत टेंशन जे सलम, ये कोरोना की रेल सनम, ये कोरोना की रेल सनम, जाने किस स्टेशन थम जाए, ज्यादा मत टेंशन झेल सनम। और अगला बंद हाजिर करती हूँ आप सभी के समक्ष। मोबाइल को काबू कर लो और नेट पैक लागू कर लो, एक नेता की पत्नी सलाह देती है, सुनिएगा। मोबाइल को काबू कर लो और नेट पैक लागू कर लो, बनवा कर अपना खास ऐप फिर जूम मीट चालू कर लो, जो तुम रैली करवाओगे, जो तुम रैली करवाओगे हो ना पाएगी बेल सनम, किस स्टेशन पर थम जाए जैसे पैसेंजर रेल सनम, किस स्टेशन पर थम जाए जैसे पैसेंजर रेल सनम। और एक और बंद। अब कैशलेस का दौर चला, थक गए नोट को गिन गिन गिन, चोरों से भी बच जाएंगे, लद गए तिजोरी के भी दिन, जो तुम रुपये बटवाओगे, जो तुम रुपये बटवाओगे कहीं बिगड़ न जाए खेल सनम, किस स्टेशन पर थम जाए जैसे पैसेंजर रेल सनम। और अगला बंद। अब पांच लोग की सीमा है, सलाह देती है पत्नी, अब पांच लोग की सीमा है, लोगों ने घर में जीमा है, केवल अपनी ही चिंता कर, मेरा LIC बीमा है, यदि लाइन में लग जाओगे हो जाए ठेलम ठेल सनम, किस स्टेशन पर थम जाए ये पैसेंजर की रेल सनम। और अगला अंतिम बंद हाजिर करती हूँ आप सभी के समक्ष। तेरा जनधन का खाता है, हर नेता तुम्हें लुभाता है, केवल खुद के ही पैसे रखिए, लालच मन भरमाता है, जो तुम चक्कर में आओगे, जो तुम चक्कर में हो आओगे तब हो ना जाए जेल सनम, किस स्टेशन पर थम जाए ये है पैसेंजर रेल सनम। और अंत में सभी को आशीर्वाद देती हूँ, सभी प्रत्याशियों को, जिनको मिला टिकट वो बाधाओं से परे हैं, जनता का हित करेंगे विश्वास से भरे हैं, मतदान पर्व होगा, निकलेंगे सब घरों से, सबको मेरी बधाई उम्मीद पर खड़े हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। किस स्टेशन पर थम जाए ये है पैसेंजर रेल सनम, तो पैसेंजर तो हर स्टेशन पर थमती है। डॉक्टर स्वदेश अरोड़ा जी की बेहतर प्रस्तुति, अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करने चला हूँ। अलीगढ़ की दो चीज़ मशहूर हैं, एक ताले मोदी जी भी कह गए थे, और अब दूसरे धर्मवीर शर्मा जी का देखते हैं। स्वागत है धर्मवीर शर्मा जी का। सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यूपी के चुनावों की बात हो रही है और मैं यूपी के अलीगढ़ से आता हूँ, वहाँ ब्रज भाषा हमारे यहाँ पर बोली जाती है। मैं उसी ब्रजभाषा को छूते हुए एक गीत आपके समक्ष रखता हूँ और आप सभी सुनिएगा। आए गयो दौर चुनावन को, अब नेताजी घर आएंगे, आए गयो दौर चुनावन को, अब नेताजी घर आएंगे, नेताजी घर आएंगे, नेताजी घर आएंगे, नेताजी घर आएंगे, आए गयो दौर चुनावन को, अब नेताजी घर आएंगे। और क्या क्या होगा जी जब नेताजी आएंगे घर पे, तो सुने। और जितने साइकिल वाले होंगे, जितने साइकिल वाले होंगे, सबके रूप निराले होंगे,
जितने साइकिल वाले होंगे सबके रूप निराले होंगे, बेशक होंगे कुछ गोरे भी कुछ के चेहरे काले होंगे, कुछ हाथी के साथी होंगे, कुछ हाथी के साथी होंगे, कुछ के हाथ में होंगे पंजे, कुछ के सर पर बाल मिलेंगे, कुछ तो बिल्कुल होंगे गंजे। बहुत बहुत शुक्रिया। कि जितने साइकिल वाले होंगे सबके रूप निराले होंगे, बेशक होंगे कुछ गोरे भी कुछ के चेहरे काले होंगे, कुछ हाथी के साथी होंगे, कुछ हाथी के साथी होंगे, कुछ के हाथ में होंगे पंजे, कुछ के सर पर बाल भी होंगे, कुछ तो बिल्कुल होंगे गंजे, कुछ तो कीचड़ में भी अपना आकर कमल खिलाएंगे। आएगा दौर चुनावन को अब नेताजी घर आएंगे, आएगा दौर चुनावन को अब नेताजी घर आएंगे। और क्या क्या होगा जी जब नेताजी घर आएंगे? सुने कि लंबे लंबे लश्कर होंगे, बड़ी फौज चलती है साहब, 10-20 गाड़ियां संग तो नहीं हो तो नेताजी का कोई वैल्यू नहीं है। कि लंबे लंबे लश्कर होंगे वादे फिर से हंसकर होंगे, लंबे लंबे लश्कर होंगे वादे फिर से हंसकर होंगे, जब भी अपना मुंह खोलेंगे सोले आने सच बोलेंगे, जब भी अपना मुंह खोलेंगे सोले आने सच बोलेंगे, चेहरे पर होगी खुददारी, चेहरे पर होगी खुददारी, मुंह में होगी जुबान दुधारी, कोयल जैसी होगी बोली, फिर से होगी हंसी ठिठोली, अपने हाथों से तुमको भी सब टोपी पहनाएंगे। आएगा दौर चुनावन को अब नेताजी घर आएंगे, आएगा दौर चुनावन को अब नेताजी घर आएंगे। और क्या क्या होगा साहब सुनिएगा। आजकल एक बहुत बड़ा प्रचलन चला हुआ है कि आके जो खाना खाना है वो चुनावों पर याद आता है, सिर्फ खाना खाना, उससे पहले याद नहीं आता है। सुने उस पर एक मुखड़ा जो है अंतरा सुने कि नेताजी संग भी खाएंगे, बता सुने कि नेताजी संग भी खाएंगे, बेशक बर्तन खुद लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कि नेताजी संग भी खाएंगे, बेशक बर्तन खुद लाएंगे, टूटे छप्पर के संग दद्दू एक फोटू भी खिंचवाएंगे। कि नेताजी संग भी खाएंगे, बेशक बर्तन खुद लाएंगे, टूटे छप्पर के संग दद्दू एक फोटू भी खिंचवाएंगे, जुमलों के फिर बीन बजेंगे, जुमलों के फिर बीन बजेंगे, मालाओं से गले सजेंगे, केवल नेक इरादे होंगे जिनको उनके फायदे होंगे, जिनके उनको फायदे होंगे, गामन की गलियन में फिर से सब करतब दिखलाएंगे, सब करतब दिखलाएंगे। आएगा दौर चुनावन को अब नेताजी घर आएंगे, आएगा दौर चुनावन को अब नेताजी घर आएंगे, नेताजी घर आएंगे, नेताजी घर आएंगे, नेताजी घर आएंगे, आएगा दौर चुनावन को घर नेताजी घर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। राजीव कत्याल मोमेंटो भेंट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर समोद सिंह कामांडो आगे बढ़ा। मनमोजी जी स्वदेश जी, एंड धर्मवीर, तो यह थी आज उत्तर प्रदेश चुनाव पर देश रोजाना की विशेष प्रस्तुति।
नेताजी द्वारे द्वारे, उत्तर प्रदेश के कवियों ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर और राजनीतिक दलों के नेताओं पर, प्रत्याशियों पर, उनकी भावनाओं पर, उनके विचारों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनकी क्रियाओं पर बड़ी बेहतरीन तरीके से बाखूबी प्रकाश डाला। देश रोजाना का ये कार्यक्रम इस प्रकार के भविष्य में भी चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आने वाले दिनों में आप जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हमारी देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हाँ, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में स्थित एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहाँ आपको हरियाणा सरकार की दीन दयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी सेक्टर 7 नजदीक हुडा सेक्टर 2 पलवल। यहां आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टिल्ट और 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3,226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर केएमपी केजीबी, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235-060606 पर, 8335-060606 पर।